पड़ोसी मुल्क चीन में कोरोना की सुनामी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसी तबाही के बीच चीनी सरकार ने बेहद ही अहम और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। 8 जनवरी से चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने जा रहा है। चीन के अधिकारियों के मुताबिक 8 जनवरी से विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटीन होना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, चीन की नज़र में कोरोना अब भयानक संक्रमक बीमारी भी नहीं रही, क्योंकि अब चीन ने दुनिया भर को तबाही की कगार पर ले जाने वाले इस वायरस को ए कैटेगरी से हटाकर बी में डाल दिया है। देखिए रिपोर्ट। क्या दुनिया को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है चीन? दुनिया का फिर मंडराने लगा है तबाही का संकट। कोरोना की सुनामी के बीच चीन क्यों हटा रहा है पाबंदी? वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। चीन पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि चीन शायद ही कभी अपनी हरकतों से बाज आ सकता। 3 साल पहले वुहान ने जो भयावह मंजर देखे थे, जिसका बाद में अंजाम सारी दुनिया को भुगतना पड़ा था, चीन अब फिर से अपनी करतूतों को दोहरा रहा है। कोरोना के आंकड़ों के बीच चीन 8 जनवरी से सारी पाबंदियां हटाने के मूड में। पाबंदियां लगाने के बजाय चीन अब उनमें ढील दे रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा था, हो सकता है कि ये नया संकट पूरी दुनिया को ठप कर दे। जरूरी नहीं है कि चीन में जो हो रहा है वो वहीं तक सीमित रहे। कौन सी मुसीबतें हो सकती हैं खड़ी? 3 साल पहले जब वुहान में कोविड फैला था, तब भी चीन ने इस बारे में बताने में देरी की थी। न सिर्फ देरी बल्कि कई बातें छिपाई भी थी, जिससे ये संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया। साइंस जर्नल लैंसेट में एक स्टडी में दावा किया गया था कि कोरोना से संक्रमित पहला व्यक्ति 1 दिसंबर 2019 को सामने आया था। हैरानी वाली बात यह है कि स्टडी चीन के रिसर्चर ने की। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक वुहान के 6 अस्पताल में कोरोना वायरस का पहला व्यक्ति 1 दिसंबर 2019 को संक्रमित हुआ। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग को भी वहाँ की सरकार ने न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि उन पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगा दिया था। बाद में ली की मौत भी कोरोना वायरस से ही हुई। चीन की इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस थोड़े ही समय में पूरी दुनिया में फैल गया। मार्च 2020 में ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में अनुमान लगाया कि अगर चीन 3 हफ्ते पहले कोरोना के बारे में बता देता तो संक्रमण फैलने में 95% तक की कमी आ सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कम से कम 1 हफ्ते पहले भी बता देता तो भी मामलों को 96% तक कम किया जा सकता। एक्सपर्ट्स भी अनुमान लगा रहे हैं कि चीन में कोरोना बहुत ही खतरनाक लहर आने वाली है। महामारी विशेषज्ञ एरिक सिगल सिंह का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन की 7% और दुनिया की 10% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अगले 3 महीनों में ही चीन के लगभग 90 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे और इस दौरान लाखों की संख्या में मौतें भी हो सकती है। लेकिन चीन ने हद पार करते वक्त ये कहा है कि अब वो कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड भी नहीं रखेगा। नए साल से चीन में कोरोना के नए मामलों का हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा। हाल ही में अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2023 में चीन में कोरोना विस्फोट हो सकता है और अगले साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है।